हेलो हाय यूरन, स्टॉक टूबन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले आईटीसी शेयर्स के बारे में, बट उससे पहले की इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जिनके लिए भी ये चैनल नया है या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें आईटीसी के साइड, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा आईटीसी की डेली अपडेट में आप लोग का स्वागत है। यहाँ पे आईटीसी ट्रेड कर रही है 425.60 पे, एंड आज के दिन 1.05 के डाउनफॉल भी होते हुए दिखा। डाउनफॉल में कमी नहीं थी, डाउनफॉल और भी अच्छी खासी होते हुए दिखी थी, बट हाँ लास्ट में ऑफकोर्स अगर बोले तो मार्केट ने अच्छा रिकवरी दिखाया। ठीक, मार्केट क्या, आईटीसी के शेयर्स ने अच्छा रिकवरी दिखाया। एंड यहाँ पे अगर हम लोग फोकस करें तो आईटीसी ध्यान से देखें तो यहाँ पे सपोर्ट को अपने ब्रेक कर दी थी, बट अगेन फिर से सपोर्ट रेंज पे ही भी आ गई है। तो यहाँ पे अभी के टाइम में ये चांसेस, जिस लेवल पे ये सपोर्ट ब्रेक किए, पूरा का पूरा चांसेस लग रहा है कि कल के दिन में हमें 420 तक ब्रेक होते हुए दिख सके, एंड अगेन आपका बाइंग बेस्ट बाइंग रेंज एरिया मिल जाए। तो मेरे लिए तो वो सबसे बेस्ट बाइंग रेंज एरिया होता है 410 से लेके 405। ऐसे 406 में आपको ये शेयर मिल जाए तो क्या ही बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरे नज़र में वो टाइम बहुत सही रहता है, तो आप वहाँ पे एक फोकस रख सकते हो 406 पे, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको मिलती है तो भागने का बहुत ज़्यादा दम रखती है शेयर। तो इसलिए आप एक मेजर फोकस वहाँ पे रख सकते हो। एंड जिस लेवल पे शेयर फ्लो करते हुए दिख रही है मार्केट में अभी के टाइम में, तो यहाँ पे आपका एक 420 का सपोर्ट मेजर सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा सपोर्ट है। तो 420 बट जिस लेवल पे आज के दिन डाउन गिरते हुए दिखी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग प्रिडिक्ट करें तो कल भी मार्केट डाउन का चांसेस बन रहा है, एंड जिसके चलते यहाँ पे आपको 420 भी ब्रेक करने की चांसेस बनेगी। अभी के लिए तो इतना ही गाइस, बट अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बहुत केयरफुली, ऑप्शंस में ट्रेड करो तो बहुत केयरफुली ट्रेड करना। अभी यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है डाउन के साइड, तो पी में भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि अगर आप पी भी बाई कर ले रहे हो, बाई मिस्टेक मैं आप लोगों को मतलब यहाँ पे बता दे रहा हूँ, पी भी अगर आज के दिन आप कोई इस पॉइंट चाहे इस पॉइंट पे बाई करता है तो यहाँ पे रिकवरी लेवल भी बना देता है, तो यहाँ पे आपको लॉस होते हुए दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बस ऑलमोस्ट यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर आप पी में भी बाई कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन का ट्रेड, मतलब अगर इस इक्विटी में बाइंग कर रहे हो, मतलब सॉरी शेयर के ऑप्शंस में बाइंग कर रहे हो पी में, तब 2 से 3 दिन का ट्रेड, उससे ज़्यादा का ट्रेड मत करो। प्रॉफिट मिले निकल जाओ, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। पी के साइड एक ज़्यादा फोकस है कि हाँ पी बनाते हुए मतलब डाउन ट्रेंड में रहेगा मार्केट, बट डाउन ट्रेंड से कब रिकवरी ले एंड कब फिर से डाउन ट्रेंड में आ जाए तो आपको आइडिया नहीं, बार बार आपकी सपोर्ट सब हिट हो सकती है। तो इसलिए आप केयरफुल रहो, एंड ट्रेड करने से पहले ऑफकोर्स खुद से भी एनालाइज कर लो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर बात कर लेना। अभी के लिए तो इतना ही गाइस, बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कर लो।